जय श्री राम संतों, भक्तों, मित्रों, जय श्री राम। अब आप, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं हर की पैड़ी का वीडियो बनाऊंगा, तो अब आप हर की पैड़ी का दर्शन करिए। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और दिस वीडियो इज़ अकॉर्डिंग टू योर रीज़न। तो आगे फिर वीडियो देखते हैं। जय श्री राम। हर की पैड़ी की तरफ बढ़ते हुए, और देखिए मनसा देवी पहाड़ी। पैड़ी की तरफ चलते हुए, यहाँ की आरती का टाइम 7 बजे है। वैसे हम इस समय 4-4:30 बजे ही पहुँच रहे हैं, तो इसलिए आरती आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इतने टाइम तक हम रुकेंगे नहीं। और आप देख रहे हैं की पैड़ी, ये मनसा देवी ठीक है की पैड़ी के। हर की पैड़ी की मार्केट, और फिर हरिद्वार की जो हर की पैड़ी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आप आएंगे, इसी रूट से आएंगे, और इस रूट से, इस पुल से आके फिर आप यूँ नीचे चले जाएंगे। नीचे जाके स्नान करेंगे, जैसे लोग स्नान कर रहे हैं। तो इस मार्केट से होके अब हम रिटर्न होंगे। ये मार्केट का क्षेत्र है, या किसी अन्य कपड़े से हटकर अवस्थित है। आपस में ये रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रूट है, इसी से आते हैं, और इस पर ये सब मार्केट, दुकानें, माला, फूल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, खाली 50 रुपीज़। ये मनसा देवी पहाड़ी है, और ठीक उसके नीचे हर की पैड़ी है। अब ये हर की पैड़ी का ही क्षेत्र चल रहा है, लोग पब्लिक स्नान करते हुए, बच्चे खेलते हुए। हेलो हेलो, जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ ऐसी है, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है, और सुरक्षा बल मुस्तैद तैनात खड़े हैं। जय श्री। अब मैं मेन हर की पैड़ी पे पहुँच गया हूँ, इसी पुल से पूरी सीन लूँगा, और देखिए, और यहाँ लगातार प्रशासन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था के विषय में पब्लिक के लिए। और ये हर की पैड़ी की मार्केट है, सामने आपको मार्केट दिख रही है, ऊपर मनसा देवी माता जी दिख रही हैं। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस है, गेस्ट हाउस के रूप में। हर जगह सुरक्षा बल तैनात है। गलत रिंग में आ गए। नदी के बीचों बीच, गंगा माँ के बीचों बीच पुल पर खड़े हैं। बहुत ठंडी और बहुत फास्ट हवा चल रही है यहाँ, ये है सिचुएशन। ये है हर की पैड़ी, आरती का प्लेस अभी आपको मैं दिखाता हूँ, चल रहा हूँ उसी साइड में, परंतु आरती अभी से 3 घंटे बाद होगी, इसलिए 3 घंटे मैं यहाँ रुकूँगा नहीं। और उस समय ये जहाँ हम चल रहे हैं, सारे
पुल पे हर जगह पब्लिक ही पब्लिक होती है आरती देखने के लिए, गंगा माँ की आरती देखने के लिए। और अभी दो घंटे बाद यहाँ बहुत पब्लिक आ जाएगी जो गंगा माँ की आरती में भाग लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये हर की पैड़ी की मार्केट आप देख रहे हैं, नीचे सभी धार्मिक चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी करके वापस जाते हुए या अपनी ड्यूटी पे जाते हुए आओ। ये है मेन हर की बड़ी जो आप देख रहे हो। ये देखिए भगत स्नान कर रहे हैं, ये मेन हर की पैड़ी है और यहाँ गंगा दो धाराओं में, एक इस धारा में चल रही है और एक मेन इस धारा में चल रही है। पब्लिक को कंट्रोल, और क्योंकि गंगा की यहाँ बहुत स्पीड होती है धारा में, तो इसलिए डिवाइड कर दिया है ताकि किसी को कोई जल में डूबने ना पाए। ये क्षेत्र पूरा हर की पैड़ी बोला जाता है। अगर गंगा माँ का मंदिर बनाया है, वो बीच में जो आपको दिख रहा है गंगा माँ का मंदिर है, और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे तक और ये पूरी फील्ड हर की पैड़ी बोली जाती है। और देखिए सभी स्नान कर करके यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो हर की पैड़ी पे ही स्नान करना चाहते हैं। हर की पैड़ी का अर्थ है भगवान हरि की पैड़ी, यानी सीढ़ी, यानी भगवान हरि की तरफ जाने की सीढ़ी। ये देखिए लोग स्नान करके यहाँ बैठ के रेस्ट भी कर रहे हैं छाया में, और इधर भी ये धारा जल चल रहा है। और बहुत अब की बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, पुल ये सब नए पुल डाले हैं और इन पुलों के जरिए पब्लिक कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जो भी पब्लिक आती है वो हर की पैड़ी ही आना चाहती है। तो डायरेक्ट ये हाईवे जा रहा है दिल्ली देहरादून, और दिल्ली बद्रीनाथ हाईवे नंबर 1 है सामने, उससे इसको लिंक किया है पब्लिक को। आप देखिए सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन की तरफ से बच्चा एकदम मुस्तैदी से तैनात है, देखिए सैनिटाइज सिस्टम से। ये वो बिंदु है जहां आरती होती है, उस साइड में उस प्लेस पे आरती होती है, और ये 7 बजे आरती होती है। ये भी गंगा माँ का मंदिर है, सभी किनारे किनारे मंदिर हैं गंगा माँ के, और चूँकि साक्षात गंगा चल रही है उसकी आरती होती है, इसमें इतना जल नहीं डाला जाता कि लोग डूब सके, और लोग स्नान करते हैं। इसको इस सिस्टम से बनाया गया है। तो ये आप, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं मनसा देवी, ठीक मनसा देवी के नीचे हर की पैड़ी का पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। ये आप देख रहे हैं टावर है, टाइम टावर, बेल टावर, और प्रशासन यहाँ लगा है। और इसी पे VIP घाट भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, VIP घाट उस साइड में है, बनाया है। तो ये है पोजीशन, ये पूरा प्लेटफॉर्म हर की पैड़ी बोला जाता है। और अब आप VIP घाट देखें, ठीक इसके जस्ट सामने जो वो घाट दिख रहा है छोटा सा जो हाईवे से सटा हुआ है, वो VIP घाट है। VIP को ला के, कोई VIP आता है तो उसको डायरेक्ट सीधा ला के वहाँ स्नान करा देते हैं प्रशासन, और वहाँ से वापस चला जाता है। और उस शंकर भगवान को आप देख रहे हैं, VIP घाट को हम जूम करके दिखाते हैं, ये है VIP घाट। और आप शंकर भगवान को देखिए, शंकर भगवान की बहुत
ऊंची प्रतिमा स्टैचू है, बीच में गंगा माँ ये भी हैं, और ये छोटी स्टैचू गंगा माँ की है, बड़ी स्टैचू शंकर भगवान की है। तो आपसे मैंने एक वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हर की पैड़ी का दूंगा, और इस समय ये हर की पैड़ी पे हम खड़े हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, तो हरिओम तत्सत। वीडियो को हम यहीं संपूर्ण करते हैं गंगा माँ के चरणों में, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और जैसा आपको महसूस हुआ हो, जैसा आपको वीडियो लगा हो, वैसा कमेंट में मुझे बताने का प्रयास करिएगा। जय श्री राम, जय माँ गंगे, ओम नमः शिवाय, पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो, जय माँ पार, जय माँ मनसा देवी। और ये मनसा देवी इस साइड में है, और ठीक नीचे हर की पैड़ी का पॉइंट है, और ठीक जस्ट सामने वाली पहाड़ी पे यहाँ से कम 5 किलोमीटर उस रेंज आएगी, उस पे चंडी देवी है। तो अब अगर टाइम मिला तो चंडी देवी चलेंगे, और चंडी देवी का भी वीडियो आपको बनाएंगे। पुल से हर की पैड़ी का ये सीन है, जो अभी आप नीचे से देख चुके हैं, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने मनसा देवी है, लाइट बहुत है, ये मनसा देवी, और हर की पैड़ी आप देखें, बीच में हर की पैड़ी, और ये सामने चंडी देवी। इस पहाड़ी पे आपको चंडी देवी दिख रही होगी, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हरिद्वार के दूसरे दर्शन क्षेत्र के विषय में, और यही ये नहीं कह सकते कि हरिद्वार के किस क्षेत्र का दर्शन कराएंगे अपने वीडियो में, अगले वीडियो में, परंतु अगला वीडियो भी मेरा हरिद्वार के विषय में ही रहेगा, और जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ का आपको दर्शन करवाएंगे। जय श्री राम। तब तक के लिए हंसते खेलते खाते पीते मस्त रहिए।